नमस्कार जोहर, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम और मैं आप पहुंची हूं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में और मैं मौजूद हूं इस वक्त कोडरमा विधानसभा में। आप ये जो पीछे मेरे तस्वीरें देख रहे हैं ये है झुमरी तलैया कस्बे की, जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूं और कहते हैं ये अभ्रक और माइका के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है तलैया बांध, जिसके लिए कहा जाता है कि ये भारत का सबसे पहला बांध है जो कि दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ है। कारण उसका साफ है कि बाढ़ से बचने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। बहरहाल क्योंकि अभ्रक नगरी है, माइका के लिए मशहूर है, झुमरी तलैया नाम है, तो थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दे दे, जो दर्शक इस बात को जानते हैं कि डायलॉग के माध्यम से आपने फिल्मों में झुमरी तलैया का नाम सुना होगा और ये वही झुमरी तलैया है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रेडियो श्रोता प्रेमी रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा चिट्ठियां लिखी है अपने मन पसंदीदा गानों को सुनने के लिए रेडियो के माध्यम से। बहरहाल अब क्योंकि चुनावी समीकरण की मैं बात कर रही हूँ तो अन्नपूर्णा देवी को भाजपा ने उतारा है यहाँ पर चुनावी मैदान में और भाकपा माले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है विनोद सिंह, जो कि उनके सामने जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल अपनी जनता से, लोगों से बात करने के लिए ग्राउंड जीरो के कार्यक्रम के माध्यम से हम यहां पर पहुंच चुके हैं, तो बिना समय गवाए मैं चाहूंगी कि आप लोग चलिए मेरे साथ और सुनिए कि यहां पर जनता क्या कहती है। आइए, मेरे साथ कुछ रिक्शे वाले भाई मौजूद हैं जिनसे मैं पूछने वाली हूं कि दादा ये बताइए कि चुनावों का क्या हाल है कोडरमा में इस बार? ठीक है, यहाँ त्रिकोणीय मामला है। त्रिकोणीय मामला है, कैसे? अन्नपूर्णा जी है और विनोद सिंह है और जय प्रकाश वर्मा। जय प्रकाश वर्मा है, यानी कि आप देख रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला कोडरमा में। जी, किसके भी सबसे ज्यादा टक्कर नजर आ रही है तीनों में? तीनों में टक्कर रहेगा, तीनों में टक्कर रहेगा। कोडरमा का क्या हाल है? कोडरमा का तो ठीक है। आप काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं? जी। काम कैसे चल रहा है? काम तो बहुत खराब है, बहुत खराब चल रहा है। पहले यहाँ रोड खराब है, रोड के वजह से काम नहीं हो पाता है। तो इस बार नेता कैसा चुनना चाह रहे हैं? नेता तो हम तो मोदी जी को ही चुनेंगे। मोदी जी को? हाँ। अन्नपूर्णा जी? हाँ, अन्नपूर्णा का ही। जब भी सवाल पूछते हैं नेता कैसा चुनना है, मोदी जी का नाम आ जाता है। अन्नपूर्णा जी काम नहीं कर रही है क्या क्षेत्र में? अभी तो ऐसा नहीं पता चल रहा है कि काम करता अगर तो जरूर नाम होता ऐसा बात। काम कोडरमा का हाल क्या है चुनावों में? अब तो सब देखिए रहे, सब जो ऐसे सब इधर से उधर सब प्रचार में लगा हुआ है। सब चुनाव आते तो प्रचार प्रसार इतना काहे शुरू हो जाता है? तो प्रचार तो होगा तभी पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। सो काम से नहीं पता चलता, प्रचार प्रसार से पता चलता है। कोई कोई कामों से देखते हैं कि काम ऐसे काम तो कोई करता है, जीतेगा तो सब बोलता है कि सब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जितने बाद 5 साल के बाद नजर आएंगे। 5 साल बाद नजर आते हैं? कौन सा कौन एरिया में क्या काम किया है ये देखे। धूले आ रहा है रोड पर, जहाँ खड़ा होगा रिक्शा तहाँ भागो भागो भागो, कहीं ऐसी नहीं है कहीं ऐसी के। वोट मांगने के लिए जब नेता आते हैं तो जनता तो कभी नहीं भगाती? नहीं, जनता और खड़ा करता ताकि हमारा देगा वोट। कभी कभी मन करता है जरा सवाल पूछ ले नेता जी से कि नेता जी हम भी टोटो चलाए। नहीं, हुआ मिलने में सोचना पड़ेगा, हुआ मिलने के लिए। अच्छा, वहाँ मिलने के लिए सोचना पड़ेगा, नेता ही नहीं मिलते, इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार तो आजकल नेता कर रहे हैं कि वोट पड़े और हम चुनाव जीते। क्या मुकाबला है कोडरमा? कोडरमा में सीधा मुकाबला भाजपा से है। किसका मुकाबला है भाजपा से? भाजपा वर्सेस अदर। अच्छा, कोडरमा में हुआ क्या पिछले 5 साल? बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे आप अगर उठा के देखिए, मेडिकल कॉलेज आपकी बन रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनी है, केंद्रीय विद्यालय बन रही है, फिर आपकी देखिए डिग्री कॉलेज बना है, ये आपका NH 31 बनी है, नल जल योजना आपके यहाँ है, आवास योजना है। हमको ऐसा लग रहा है कि एक लाइन से मोदी जी की तमाम योजनाओं को एकदम जमीन पर उतार के बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी किया कौन है? ओनली मोदी, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता इस तरह से। पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं, काम बस काम क्या जो करना है वही करते हैं। बता दीजिए ना, जनता समझने लगी कि जैसे आप योजनाओं का एक बिजनेस है अपना। कोविड के बाद का हाल क्या है बिजनेस का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिजनेस का पैटर्न चेंज हुआ, लोग पैटर्न अपना चेंज नहीं किए हैं, वही पुराना ढर्रा पे चल रहे हैं और मोदी जी को कोसेंगे, मेहनत करेंगे नहीं तो क्या होगा। लोगों को ये पता नहीं हमको चाहिए क्या किसी से। टोटो वाले जो भैया है, थोड़ा सा प्रवीण घुमाओ कैमरा, ये टोटो वाले भैया जो है ना, ये कोई बिजनेस नहीं करते है, ये नॉर्मली टोटो चलाते हैं। इनका ये कहना है कि कहीं भी खड़े हो जाए तो बसों को नहीं भगाते, लेकिन हम काम करते हैं हमें भगा दिया जाता है।
वो तो यहाँ ये जिला प्रशासन का या नगर परिषद की मामला, ये इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। आपके शहर की यातायात की व्यवस्था देखना, ये नगर परिषद काम है, जिला प्रशासन काम है। मोदी जी तो कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास होगा, वो तो बेचारे अपना विकास ढूंढ रहे हैं, विकास कर ही रहे हैं। आज वो बेरोजगार थे, कम से कम टोटो चला अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं। हम पूछ लेते हैं, अरे भैया सुनिए, वो कह रहे हैं टोटो चला के तो कम से कम रोजगार मिल रहा है, तो काहे परेशान है अगर भगा देते हैं लोग आपको? तो रोजगार कहाँ मिल रहा है से बताइए, कहाँ क्या बोल रहे हैं? ये भैया बोल रहे हैं, बताइए ना, बताइए। अगर 200-400 रुपए कमा लें, खर्चा बहुत ज्यादा है, 1000 रुपए कमाएंगे तो कहीं होगा इस मेंटेनेंस, 200-400 में होगा से बताइए? और किराया पर चलाएंगे तो 250-250 रुपए तो उसी देंगे, तो यानी कि 400 रुपए कमाया तो 200 रुपए वाला जिसका टोटो है वही ले जाते होंगे, तो क्या बचेगा उसमें? 1000 बचाएं 1200 कमाएंगे तो कहीं बचेगा उसमें? तो एक बात बताइए, लोग बोल रहे हैं मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है नहीं बदल रहा है वो तो मैं जरूर पूछूंगी, लेकिन कोडरमा बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला। क्या हाल है कोडरमा का? कोडरमा का बहुत बुरा हाल है, यहाँ का नेता ठीक नहीं है, बस इतना ही मैं जानता हूँ, यहाँ का नेता ठीक नहीं है। हम लोग टोटो चलाते हैं, हमारे रेलवे स्टेशन ठीक जस्ट बाउंड्री है, वहाँ दुकान से भरा हुआ है, वहाँ हम लोग टोटो लगाते हैं, वहाँ से 4 गाली देकर भगा देता है। बस वाले हैं वो लोग अलग से उत्पात मचाते हैं, वो लोग जो है वहाँ 25 साल से रोड नहीं बना है, हम लोग का नेट में कोई रोड नहीं बना, सिर्फ वादे किया गया है, बना नहीं है। हाँ, यहाँ सिर्फ खाओ पकाओ नेता है, यहाँ कोई काम का नहीं आदमी है। ना पानी आया, ना बिजली आया, ना रोड बना है। जहाँ नया नया घर बन रहा है VIP लोग का, उधर रोड बन जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी का घर के तरफ रोड नहीं बन रहा। एक बात बताइए, सांसद चुने जाते हैं, एक लाइन से बहुत सारे वादे कर देते हैं, फिर जब जीत जाते हैं तो क्या होता है? जीत जाने के बाद तो फिर वादे हुए अपना वादा अपने पास ही रख लेते हैं। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि बोल दे सांसद को कि वादा तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा? उस टाइम फिर के नए नजर आते हैं, फिर जैसे जीतने के बाद अगर वहाँ नजर आवे उसके बाद तो अभी देखिए वोट के टाइम में हर एक कोई अभी नजर आते हैं, उसके बाद फिर कहाँ नजर। प्रवीण, थोड़ा कैमरा घुमा के अभ्रक नगरी की तरफ, थोड़ा बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। अभ्रक नगरी जिसके लिए कहा जाता है कि ये जो इलाका है, ऐसा इलाका था जहाँ पर मर्सिडीज चलती थी, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती थी, और जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती उसके 4 कदम की दूरी पे हम बाहर खड़े, लोग इतना काहे नाराज है? कहाँ नाराज है, मोदी जी देश के लिए जरूरी है, चाहे मैंने कोई काम विकास हो या ना हो, हिंदुत्व के जरूरत है, मोदी मैंने जरूरी है, इंडिया के लिए मोदी जरूरी है। अच्छा भैया रुकिए ना, ये हमारा शो है, कोई नेता जी का मैदान नहीं, हमसे बात कीजिए। ना शो रहे चाहे जो रहे, मैंने इंडिया के लिए मोदी जरूरी है, इंडिया के लिए मोदी जरूरी है, आपने कहा चाहे विकास हो या ना हो, ये भी बोला? जी जी जी, विकास तो ही रहा है, विकास तो रहा है, अभी दूसरा देश से हिंदुस्तान का झंडा लगा के दूसरा देश का आदमी बच के आया है, और क्या चाहिए? चलिए, कह रहे हैं विकास तो हो रहा है, ठीक है, हम विकास पे बात नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे कोडरमा का हाल क्या है? बहुत अच्छा है, क्या चीज खराब है कोडरमा में ये बताइए? आप क्षेत्रीय है ना, लोकल है, आप ही बता दीजिए, नंबर दे दीजिए अपने नेता को फटाफट। किसके लिए? कोडरमा में काम के लिए। काम के लिए 10 में 10। 10 में 10, ये सांसद जी को नंबर दे रहे हैं, मोदी जी को नंबर? मोदी जी को नंबर दे रहे हैं। और सांसद जी का क्या हाल है? सांसद का ठीक है, अपनी जगह ठीक है। कोई ऐसा 5 काम बता दीजिए जो क्षेत्र में सांसद जी ने कर दिए। कोई ऐसा 5 काम जो आपके जहन में आए? सांसद जी, वैसे सांसद जी तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन मोदी जी के थ्रू तो हो ही रहा है, सांसद के थ्रू काम। सांसद जी कुछ नहीं किए पर मोदी जी के थ्रू? हाँ। आखिर जब सच्चाई खुलती है तो इतना देर क्यों लगता है बोलने में जनता को? कुछ तो तकलीफ होती है जनता को भी। बता दीजिए मोदी जी के काम बता दीजिए, ठीक है, सांसद जी के काम नहीं बता? मोदी जी का बहुत सा काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ ये बताइए। ये देखिए 4 लेन बन रहा है, मोदी जी बना रहे हैं। घुमाओ कैमरा, 4 लेन दिखाओ। हाँ। और पूछिए। और आप बताइए। बहुत सा काम हुआ। शिक्षा का क्या हाल है? अच्छा है। ये झुमरी तलैया जो फेमस है कि कभी यहाँ पे मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला करती थी, अभी स्थिति ऐसी है अंदर? नहीं है, अभी नहीं है। आजादी के बाद और लगभग 70 सालों में इतना चेंज क्यों आया कोडरमा में? सरकार अच्छी नहीं है स्टेट में, सेंट्रल में तो है ही, स्टेट में सरकार अच्छी नहीं है। भरोसा कर सकते हैं अन्नपूर्णा देवी पे दोबारा? फिर एक बार और कर सकते हैं। अच्छा भैया पीछे से आ गए, कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बाजार से। थोड़ा सा गाड़ी आगे लगाइए ना, भीड़ लग जाएगी, जनता परेशान हो जाएगी। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय भैया
ये अभ्रक नगरी है झुमरी तिलैया। जी जी, हमारी झुमरी तिलैया है। एक समय विविध भारती में बहुत अच्छी इसकी पहचान थी, पूरा लोग इंडिया का जानते हैं झुमरी तिलैया को। जी हमने तो सुना है डायलॉग के माध्यम से कि कोई पूछता है कि कहाँ जाइएगा तो सामने वाला बोलता है झुमरी तिलैया। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, आप पे वही हंस सकता है जो आपसे जलता है। हाँ, तो अगर बोलता है झुमरी तिलैया, समझिए बहुत टॉप है हमारी झुमरी तिलैया, और उससे ज्यादा टॉप है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 370 धारा हटाया, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, जिन्होंने बहुत कुछ किया। जो मोदी जी को नहीं मानता है उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। मतलब जो विपक्ष के नेता है वो बाहर है, बेकार है, ये जान जाइए धिक्कार है उस लोगों पे। हमारे मोदी जी को अगर आप नहीं मानते हैं तो देश के लिए हम बोल रहे हैं, ये नहीं कि मोदी जी अच्छे हैं, हमारे देश को अच्छा कर रहे हैं। और हम क्या बोले, सीना 56 इंच का है या 36 इंच का है, नाप के देख लीजिए। अगर 56 नहीं निकला तो हम आज से मोदी जी को नहीं बोलेंगे कि जिंदाबाद। हम नाप के देखे नहीं, मेरा सीना नाप के देखे सर। आप क्यों नाप के देखे। अच्छा एक बात बताइए कि अन्नपूर्णा जी का क्या हाल है। थोड़ा सा काम नहीं करती है वो, इस क्षेत्र में उनका थोड़ा सा ये है कि काम नहीं करती है। कैमरामैन पहले फोकस करो, भैया जी कह रहे 56 इंच का सीना नाप के देख लीजिए, मोदी जी के नाम पे देश आगे है। फिर जैसे अन्नपूर्णा जी का नाम आता है तो कहा एकदम सोचने में पड़ जाते हैं। हम मोदी जी पर वोट दे रहे हैं, वो मैडम काम नहीं की है। अन्नपूर्णा जी का काम करने का तौर तरीका नहीं यार, वो जीतने वाली भी जो है वो खाली कमल फूल की वजह से उनको वोट मिलेगा और वही जीतेगा, नहीं तो उनसे हम लोग खुश नहीं है। उनके काम करने का तौर तरीका कुछ भी हमको पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, वो यहाँ के लिए बारे हमारे बारे में सोचते ही नहीं, बस खाली कमल फूल के वजह से वो जीतेंगे और उसके वजह से हम लोग वोट दे रहे हैं कमल फूल के वजह से, वो भी मोदी के पास लिए इसके लिए। नहीं तो अगर वो दूसरा कुछ चुनाव चिन्ह रखते हैं तो कभी नहीं जीतता, लिख के देते थे हम, कभी नहीं जीत पाते। चलिए भैया लिख के देने के लिए तैयार है, स्टैम्प पेपर लाना पड़ेगा साइन करवाने के लिए। एक बात बताइए, अन्नपूर्णा जी नहीं की कुछ फिर भी भरोसा जता रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फूल की वजह से हो रहा है। अगर फूल हट जाएगा तो वो खुद ही हट जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ फूल की वजह से वो जीत रहे हैं। काम क्या करते हैं देखिए, सामने काम क्या करते हैं। अच्छा ये आप ही का है टुक टुक। हाँ टुक टुक मेरा ही है। रिक्शा चलाते हैं। हाँ तो क्या कर रहे हैं, रिक्शा तो चलाना ही पड़ेगा भैया, रोजगार है कुछ भी कीजिए। कमा कितना लेते हैं एक दिन में? 400-500 अपना हो जाता है। अपना रिक्शा है कि वैसे चलता है किराए? अपना ही है, अपना ही है। बताइए 400-500 आप कमाते हैं, सेटिस्फाई अपने काम? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई है। ठीक है, और नेता से परेशान है? नेता बस यही, इनसे अपना जो केंद्र में है वही रहे, मोदी जी मोदी जी जिंदाबाद। अन्नपूर्णा जी पे भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा नहीं, इस लायक ही नहीं है वो। नारी शक्ति चुनाव में दादा क्या कहेंगे? अन्नपूर्णा जी भी कह जिताएंगे हम लोग। काहे जिताएंगे, कुछ पॉइंट तो बता दीजिए। अच्छा है मोदी जी के चलते, मोदी जी के चलते कितनी बार नैया पार कराएंगे एक नाम की वजह से? जब तक मोदी जी रहेंगे। हाँ चाहते हैं कि अगर कोई नया चेहरा होता तो समीकरण कुछ और होता है यहाँ पे? समीकरण में 3 महीने के अंदर फिर सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल 3 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी, मतलब जितना 60 गांठ में है ना, जब 3 महीना भी चलते चलते बोलेगा हमको प्रधानमंत्री बनाओ हमको बनाओ, इसी में गिरते रहेगा सरकार। आप इंडिया गठबंधन के लिए बोल रहे हैं, आओ इधर आओ, ये देखिए भाकपा माले का जो है यहाँ पे झंडा लगा के जा रहे हैं, का समर्थन में है क्या भाकपा माले? जी हाँ। क्या किया विनोद जी ने? विनोद जी तो बहुत गरीब के लिए बहुत कुछ करते हैं। और अन्नपूर्णा जी? अन्नपूर्णा जी का तो बातें मत कीजिए, वार्ड देख लीजिए ना, 1 से 28 नंबर वार्ड देख लीजिए, रोड का क्या पोजीशन है, है ना? रिक्शा चलाते हैं, काम यही अपना। मुस्कुरा रहे, काम धंधा ठीक चल रहा है दादा? ठीक है। ये कोडरमा का हाल क्या है? कोडरमा का अन्नपूर्णा जी और विनोद जी का टक्कर है। आपका रिक्शा तो नहीं है ना? नहीं हम सवारी है। सवारी है तो सवारी सच बोल देगी कि कोडरमा में जो लड़ाई है वो टक्कर में है या टक्कर से बाहर है? नहीं टक्कर में है, अन्नपूर्णा जी और विनोद जी में है, और कुशवाहा में से जयप्रकाश वर्मा भी है। विनोद जी क्या किए जो आप कह रहे हो कि बढ़िया नेता? विनोद जी देखिए गरीब के लिए बहुत अच्छा नेता है, उनमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात, अन्नपूर्णा जी तो कई बार मतलब विधायक भी रहे हैं और सांसद भी अभी रहे हैं, लेकिन कोडरमा जिला का क्या विकास किया ये हमको बताइए। कोडरमा में लोग कह रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया सड़कें बन गई है। देख लीजिए सड़क जाके देख लीजिए, वार्ड का क्या पोजीशन है जो देख लीजिए आप। हम लोग टोटो लेके जो जाते हैं लगता है कि सवारी लेके पलट जाएंगे। सवारी लेके पलट जाए? तिलैया के रहने वाले हैं। तिलैया क्यों मशहूर है? तिलैया क्यों मशहूर है मुझे भी नहीं पता क्यों मशहूर है। यहीं के रहने वाले? हाँ। कितने
साल हो गए, मतलब जन्म यही का है या बाहर से हो? यही का जन्म है। अजीब नहीं लगता है कि जहाँ जन्मे हैं वहाँ के बारे में नहीं पता? क्या पता रहेगा, नेता लोग कुछ बताएगा नहीं तो? नेता लोग बताएंगे तो कौन बताएगा? विकास नेता लोग करेंगे और तिलैया के बारे में नेता लोग? हाँ, नेता लोग ही ना काम गिनवाएगा कि ये भैया ये भारत का विनाश करवा के छोड़ेंगे लोग। भैया युवाओं का ये हाल है कि तिलैया का नाम का अर्थ नहीं पता कि तिलैया का है मसूर है। आप ही बताइए ना क्या हाल है कोडरमा का? कोडरमा में अभी तो मतलब रुझान है बीजेपी का, बीजेपी की तरफ रुझान है। ये झुमरे तिलैया क्यों मशहूर है इसको कौन नहीं जानता है? यही बात है, इसको कौन नहीं जानता? कैमरा घुमाइए, ये भैया नहीं जानते, अब बताइए इसको कौन नहीं जानता है? हाँ। माइका से लेके मतलब ये कलाकंद लीजिए, बीबीसी में, रेडियो में, सब एक समय में। खूबसूरत आपने बात कही, झुमरे तलैया का नाम किसी लिए मशहूर है ये तो दुनिया जानती है, लेकिन जब जब यहीं के युवा नहीं जानते तो अजीब लगता है सुनते हुए। नहीं, बहुत इंटरेस्ट इंटरेस्ट बहुत लोग नहीं लेते हैं, लेकिन मतलब जानकारी तो होगा ही उनको। जी अच्छा, बात बताइए प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं 10 साल में? देखिए प्रधानमंत्री जी जो है ना वो देश का देखने के चक्कर में है, देश का नेतृत्व कर रहे हैं और देश को बुलंदी पर पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अन्नपूर्णा पे जो है भरोसा कर सकते हैं आप लोग? विनोद सिंह पे भरोसा कर सकते हैं आप? अन्नपूर्णा जी भी बहुत मतलब कायदे की नेता है। हाँ, 4 लेन का रोड बन रहा है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कुछ हुआ है इस पर का? कुछ नहीं हुआ 5 साल में, यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये जो पीछे जो सड़कों का निर्माण हो रहा है ये क्या है? तो निर्माण तो हो रहा है, हमारा अभी काम पूरा हुआ नहीं, इसके चक्कर बहुत नुकसान भी तो हुआ है आदमियों का। जैसे है? जैसे कि बहुत आदमी को मुआवजा नहीं मिला, ऐसी घर तोड़ दिया गया है, हमारा चाचा का मुआवजा नहीं मिला। मतलब आप कह रहे हैं कि काम हुआ लेकिन नुकसान उससे? नुकसान भी हुआ है, अब 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल में सच में क्षेत्र में काम नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ है। 5 साल में सही में क्षेत्र में काम? बिल्कुल काम है, देखने का तरीका होना चाहिए, पब्लिक को ये एक्सपेक्टेशन है कि हमको चाहिए क्या। कह रहे हैं कि सड़कें बनी हैं तो हमारा नुकसान हुआ। सांसद का काम नहीं है चापा नल लगाना, सांसद का काम नहीं है नाली बनाना, यहाँ का नगर पार्षद को चाहिए कि कैसे काम कराना है, नगर पार्षद तो काम होता नहीं, सिर्फ टैक्स। विधायक तो बीजेपी का विधायक है, आज तक हम लोग मोहल्ला में देखने नहीं आया, आज तक पानी का पाइप लेने नहीं बिछा है, कुछ नहीं हुआ, चले दिखाते हैं ना रोड बना ना कुछ बना, नाली मिला है। अब बोलिए क्या आप, पार्षद का भी तो कोई काम होता है, नगर पालिका भी तो कुछ काम होता है, स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है ना काम का। अब डायरेक्ट मोदी जी को बोलिएगा नाली बनाइएगा, या मोदी जी को बोलिएगा कि हमारा घर का सामान ला दिए, सिलेंडर ला दिए, ऐसा होता है क्या? यहाँ अबरक का काम फेमस है, आज तक काम हुआ अबरक का, चालू हुआ नहीं हुआ है, बेरोजगार आज भी है कि नहीं है? दिन रात यहाँ हैबा चलता है, सिर्फ हैबा मालिक लोग खुश है, बस गरीब आदमी खुश नहीं है। गरीब आदमी खुश नहीं है? नहीं है, क्योंकि काम ही ऐसा नहीं है, काम ही लोग वो यहाँ का नेता नहीं किए तो खुश कैसे रहेंगे? मोदी के नाम पे वोट नहीं देते रहेंगे, काम भी तो होना चाहिए 5 साल में। आज तक 5 साल में कौन क्षेत्र में आया? हम लोग क्षेत्र में आया अन्नपूर्णा देवी मिलने के लिए, एक बार भी आई? अभी वोट लेने तो 10 बार आएगी, वो वोट लेना है उसको। नगर पालिका 2 है तिलियम की 1 है, हम पूछना चाहते हैं। एक है, रसीद क्यों लिया जाए? क्यों लिया जाता है? एक यहाँ लिया जाता है, एक वहाँ लिया जाता है, 2 जगह क्यों लिया जाता है? 2 नगर पालिका है, जैसे नो बस के लिए नो एंट्री नहीं है, मगर को टेम्पू सड़ जाएगा उसके लिए नो एंट्री है, है बस खुलाम चल रहा है, 4 व्हीलर खुलाम चलेगा, यहाँ ट्रैफिक की इतना दिक्कत है कि हम लोग जानते हैं, रात दिन यहाँ ट्रैफिक की दिक्कत है। ये तो अभी बना, सड़क देख रहे ने, ये 1 हफ्ता पहले बना है, नहीं तो यहाँ रोज एक्सीडेंट होता था, टेम्पू उलट जाता था, कभी कुछ भी हो जाता था, पूछ सकते हैं किसी से भी आप। इसी अभ्रक नगरी के अंदर मौजूद हूँ, इसी झुमरे तलैया के बोर्ड के पास खड़ी हूँ और यही शो कर रही हूँ और लगातार सबसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ, कोडरमा का हाल क्या? बहुत अच्छा है, ये तो वैश्विक स्तर पर मोदी जी ले गए हैं और माने विश्व में पहचान बना है भारत का, अब इससे बड़ा और राम मंदिर का ये हुआ है, हिंदुओं के लिए बहुत गौरव की बात है, और क्या है इससे। अच्छा बात बताइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम ये जानते हैं कि देश कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन सांसद जी ने क्षेत्र में क्या किया? जो सांसद फंड से होना चाहिए था वो हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। इस बार चुनावी लड़ाई टक्कर में है एकदम, बेशक एकदम भाजपा यहाँ से निकल रहा है कोई। चलिए प्रवीण आगे की तरफ आइए, इस बार चुनावी लड़ाई टक्कर में नजर आ रही है। हाँ बोलिए। चुनावी लड़ाई टक्कर में नजर आ रही है, सिर्फ एक आदमी के नाम पर उनका सांसद जीता है, सिर्फ मोदी जी के नाम पर। मोदी जी देश को बहुत कुछ दिया। हाँ तो मोदी जी के नाम पर ही चल रहा है और क्या। अन्नपूर्णा जी, मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर सब जीत रहे।
सांसद बात बताइए, कब तक एक ही नाम तक जो है लोग नैया पार कराएंगे? सांसद के सच में क्षेत्र में काम नहीं करती है, सब मोदी जी के देना है, इधर उधर कानून नहीं, हम लोग सब मोदी जी देने हैं। बात बताइए, विनोद जी को जानते हैं? सब सब जानते हैं। विनोद सिंह को जानते हैं? नहीं, हम लोग नहीं। अन्नपूर्णा जी को जानते? एकदम जानते हैं। इधर आइए, क्या किया अन्नपूर्णा जी? बहुत विकास किया है, अभी जाके कोडरमा सदर अस्पताल का सुविधा जाके देखिए, 24 घंटा आपको डॉक्टर का सुविधा मिलेगा। हम लोग का पूरा नाली देखिए, रोड देखिए, आप तो काम देखने से बोल रहा है। मैडम बहुत काम की है। चलिए, मैडम बहुत काम की है, आगे की तरफ जाएंगे, कुछ और लोगों से संवाद करके समझ लेते हैं कि मैडम ने क्षेत्र में कुछ किया है या नहीं, और विनोद सिंह को क्या जनता कोडरमा में चुनावी लड़ाई में देख रही है या नहीं। तो चलिए मेरे साथ आइए, इसी अभ्रक नगरी में, इसी झुमरी तलैये के बोर्ड के नीचे शो कर रही हूँ मैं, ज्यादा अंदर की तरफ नहीं गई क्योंकि अंदर के लोग जो है बाहर आकर यहीं पे कुछ खाना पीना पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगी, दिखाओ प्रवीण एक बार स्टॉल्स। भैया क्या खाने आए थे? चौमिन खाने आए हैं। खाली जी? पेट भर गया जी? हाँ। थोड़ा सा उधर खिसक जाइए, शांति से सवाल पूछ ले, बैठ जाइए बैठ जाइए, दादा बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। ये बताइए, चुनाव का माहौल कोडरमा का क्या? बढ़िया है कोडरमा का, यहाँ का तो माहौल ठीक है। सांसद जी कौन है? शंकर जी, तो हाँ, मेरा तो यहाँ पर मेहमान रहते हैं। हाँ। ये वैसे जानते हैं सांसद कौन है कोडरमा? नहीं, हमको नहीं पता, हम यहाँ का नहीं है। आप यहाँ के नहीं है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी को जानते हैं। बहुत बढ़िया, देश को तो सब कुछ फैसिलिटी दी है, वो क्या चीज नहीं दी है, सब कुछ तो देवे कर रहे हैं, और क्या है? और आगे क्या चाहते हैं? आगे वही रहे, हम तो यही चाहते हैं, वही रहे। इस बार उम्मीद है क्या जनता की अपने प्रधानमंत्री से? उम्मीद तो है कि वो आ जाए, बढ़िया है, वही चलाए, और क्या। बात बताइए, ये जो नेता जीतते हैं, ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीतते हैं या कुछ ग्राउंड पे खुद भी कुछ काम करते हैं? अभी तो फिलहाल ऐसे आदमी मोदी जी के नाम पर जीत रहे। मोदी जी देश के लिए 10 साल में वो दिए जो देश चाहता था? देश के लिए देखिए, वो तो जो अपना कर रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपना देश के लिए। मोदी जी देश के लिए कुछ किए या नहीं? देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, देखिए विकास भी कर रहे हैं, इतना किए हैं जो पूरा हम जानते हैं, पूरा पब्लिक जान रहे हैं। आज भारत की छवि कहाँ पर है? अरे रुकिए ना, आज भारत की छवि कहाँ पर है? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। जब 26 जनवरी का दिन आता है, 15 अगस्त का दिन आता है, तो मन करता है कि भारत माता की जय बोले? बिल्कुल मन करता है। 365 दिन दिल में यही रहता है भारत माता की जय? एकदम 365 दिन। प्रधानमंत्री जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। क्या दिया देश को? मान सम्मान दिया। मान सम्मान दिया, और इसी मान सम्मान के लिए तो हमें लगता है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई कर ली थी। यस, सही बोले। झुमरी तलैया का क्या हाल है? झुमरी तलैया बहुत अच्छा हाल है। कोडरमा का? कोडरमा का वही झुमरी तलैया कोडरमा। सांसद जी कैसी हैं? बहुत अच्छी है। हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का सोच रहे हैं। ओ, बहुत दूर का सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री को वोट देने। देखिए, हम तो कुछ पूछते नहीं और जनता जवाब देती नहीं, ऐसा कहना तो बहुत गलत होगा। हम पूछते बहुत कुछ हैं और जनता एक ही बात कह के सारा सवालों का सिलसिला खत्म कर देती है। देश के प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल। मोदी जी के विकल्प में कोई और नेता? कोई नहीं। कोडरमा की सांसद कैसी है? हम यहाँ के नहीं है। आप कहाँ से है? हजारीबाग। हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी का क्या हाल है? जीतेंगे। जीतेंगे? फुल बहुमत से। ये बहुमत का आंकड़ा कितना कच्चा है या कितना पक्का है, वो तो ये पीछे खड़ी जो जनता है ना, वो ही बताने वाली है। प्रवीण, थोड़ा सा बाहर की तरफ चलिए और मैं आपको बताऊं कि मैं झुमरी तलैया में हूँ, जो कि एक कस्बा है, कोडरमा शहर में पड़ता है, कोडरमा विधानसभा की तरफ पड़ता है और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की तरफ, और यहीं से मैंने अपने कार्यक्रम का आगाज किया था और इसी जगह पर जो है हम अपने कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। अंदर जो लोग थे वो बाहर आ गए, हमने उनसे बात कर ली, उन्होंने हमें बता दिया कि यहाँ का माहौल क्या है, लेकिन अभी मेरे कार्यक्रम का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर जाने वाली हूँ जनता के बीच में और उनसे समझने वाली हूँ कि कोडरमा का हाल क्या है। जुड़े रहिए मेरे साथ, कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज 11 भारत, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।